हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके करने से पति की लंबी आयु होती है, इसलिए सुहागन महिला यह व्रत करती है। आइए पंडित जी से जानते हैं इस व्रत। इस प्रकार अपने भारत में मान्यता है, अनेक पेड़ों का और अनेक स्थानों का अलग अलग महत्व कहा गया है। उसी प्रकार वट वृक्ष हुआ, पीपल वृक्ष हुआ, इस प्रकार अनेक वृक्षों का अलग अलग महत्व है। और भारतीय संस्कृति में इन वृक्षों का पूजन किया जाता है, वैज्ञानिक स्तर पर भी तथा शास्त्रोक्त स्तर पर भी भगवान इनका पूजन किया जाता है। वट सावित्री ज्येष्ठ माह में कहा गया है तथा यह 6 जून को अभी आ रहा है। वट सावित्री व्रत यह सावित्री तथा सत्यवान की कहानी पर आधारित होता है तथा वट सावित्री का पूजन सौभाग्यवती स्त्रियां सौभाग्य अपने सौभाग्य के लिए तथा संतान प्राप्ति तथा पारिवारिक सुख के लिए किया जाता है तथा वट सावित्री का पूजन सौभाग्यवती स्त्री को संतान प्राप्त स्त्री को संतान की वृद्धि के लिए तथा परिवार के तथा पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत किया जाता है तथा यह व्रत भगवान विष्णु के निमित्त कहा जाता है तथा व्रत वट वृक्ष के मूल में इस व्रत को किया जाता है। उसका वट वृक्ष के मूल का पूजन होता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का वास कहा गया है। वहां पर वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का पूजन करना चाहिए तथा वट सावित्री के दिन महिलाओं को सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य की वस्तु सुहाग की वस्तु दान में दी जाए तो उससे अनेक प्रकार का फल प्राप्त होता है तथा पति की आयु की वृद्धि के लिए ये उपाय करना चाहिए तथा वट वृक्ष उनका पूजन के निमित्त सत्यवान तथा सावित्री का भी पूजन होता है तथा उनकी कथाओं को सुना जाता है तथा अपने भारत में कहा गया है पेड़ों का बड़ा महत्व है तो इसमें से एक वट वृक्ष भी है जो कि अनेक अत्यधिक गर्मी में इसका घना आकार होता है तथा इसमें छाए तथा शीतलता प्रदान करने वाला इसलिए भी इसको का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से सुबह प्रातःकाल उठना चाहे उठ करके वट वृक्ष के मूल में जा कर करके गणेश गौरी का तथा सावित्री का पूजन करें।